और अगर किसी ने किसी की रिलेशनशिप में चीट कर लिया है तो इट्स बेटर यू लीव द पर्सन, देयर इज नो माफी टू इट। अच्छा तो पकड़ो राहुल, यू आर नॉट हैंडलिंग। अरे ओई ओई ओई, मेरा रो ही रो रहा। और वो देखो बच्चों के बीच में राहुल अंकल खेल रहे हैं और राहुल अंकल को बच्चों ने बॉल नहीं डाली थी और बच्चे नो काटी खा लेगी तेरी वो। हां काटी खा रही है जोई। काटी खा ले। देखना कैसे बैठा है, भाव खा रहा है ये बंदा, भाव खा रहा है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लमेटोलॉजी। और हम आए हुए हैं फिलहाल पार्क में इन दोनों को खिलाने के लिए। ओए ओए ओए, हो तुमने देखा पब्जी ने क्या किया? और यहाँ ना ओला का पीछे का एरिया देखो कैसे चौड़ा सा हो रहा है, देख रहे हो भाई कैसी चौड़ी हो रही है पीछे से। एक बॉल के पीछे बैठे, बदतमीजी मत कर, वो प्रेग्नेंट है तेरे को पता है ना। ये देख, मैं डर नहीं लगता राहुल यार, इसके मुंह में हाथ डाल ले तो यार पूरा दाढ़ फट जाएगी इसकी, दाढ़ फट जाएगी और जो तुम्हारा हाथ फट जाएगा पूरा। नहीं फटेगा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। गाइज आप में से कुछ लोग हैं जो हमसे पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं एंड आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। और मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ स्वीट साइको 488 का, इसका स्नैपशॉट भी लगा हुआ है। येस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यू आर सच अ वंडरफुल स्वीट पर्सन, एग्जिस्ट इन द एंटायर यूनिवर्स। वॉट वुड यू डू इफ यू आर बिट्रेड बाय योर लव वन दैट यू ट्रस्टेड द मोस्ट एंड इन द एंड दे लेफ्ट यू विद नो ऑप्शन विद प्रॉब्लम्स दैट इज इररिकवरेबल। तो इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को पता है। और आई थिंक रिसेंटली हमें एक कमेंट और आया था किसी का जिनका 8 साल का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ। तो गाइज ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट पैदा हुए हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, हम लोग हंसते रहते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर उठना ही जिंदगी होती है। राहुल के भी कई रिलेशनशिप्स रहे हैं, मेरे भी कई रिलेशनशिप्स रहे हैं, हमने भी हार्ट ब्रेक झेले हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर तो आपको लगता है कि आप उस बंदे के बिना नहीं जी सकते हो तो कोशिश करो पैचअप करने की। अगर पैचअप ही पॉसिबल नहीं है कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो गो अहेड यार, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। और आपके पेरेंट्स हैं जिनके लिए आपको जीना और आपकी पूरी लाइफ पड़ी है आगे। तो भाड़ में जाए वो बंदा जिसने आपको दुख दिया है। और इररिकवरेबल, कोई दुख इस दुनिया में इररिकवरेबल या कहते ना अब उससे रिकवरी नहीं हो सकती, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ बदली जा सकती है, हर हालात बदला जा सकता है। सिर्फ एक लाइफ है जो ब्यूटीफुल आपको भगवान ने दी है, वो आपकी अगर चली गई है तो वो वापस नहीं आ सकती। अदरवाइज ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। तो अगर ब्रेकअप हुआ है आगे बढ़ो यार। मैं भी बहुत रोई हूँ बहुत लड़कों के लिए और ना कि ओहो इस मेरा ब्रेकअप हो गया, इसने फलाने में चीट कर दिया और ये वो। बट आज जब मैं देखती हूँ तो भगवान ने सब कुछ दिया है ना, घर गाड़ी पति बच्चे। तो जब आपकी शादी हो जाएगी एक अच्छी लड़की के साथ, आप सेटल हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे, आपको याद भी नहीं रहेगी कि यार उसने मेरा दिल, तो आपको आप हंसोगे उन चीज़ों पे। मैं तो आजकल सिर्फ एक ही गाना सुन रहा हूँ, प्यार होता 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 कहीं बाहर है। बस तो फिर मिल गया ना जवाब। हाँ बात खत्म, ठीक है। तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्यार। तो सच्चा प्यार पहली बार भी होता है और सातवीं बार भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट द प्रायोरिटीज एंड द टाइम। और अगर टाइम अच्छा है तो निभ जाएगी, अगर टाइम खराब है तो नहीं निभेगी। बंदे चाहे जैसे हो, बंदे सारे अच्छे होते हैं, चाहे वो चीट कर रहा हो। सर्कमस्टेंसेस ही गलत होते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने किसी की रिलेशनशिप में चीट कर लिया है तो इट्स बेटर यू लीव द पर्सन, देयर इज नो माफी टू इट। तो फुल स्टॉप, इस बात को इतना शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस खत्म। ये क्वेश्चन है दोस्त रोस्ट 9225। एक तो आपकी आईडी बहुत अच्छी है दोस्त रोस्ट। आई हैव, इनका कहना है आई हैव मेनी स्ट्रीट डॉग्स इन माई कॉलोनी एंड एवरी वन इन द सोसाइटी हैव एटलीस्ट वन डॉग एक्सेप्ट मी एज माई आंट इज वेरी स्केर्ड ऑफ डॉग्स बिकॉज ऑफ द न्यूज इन द पेपर। कैन यू टेल मी हाउ शुड आई कन्विंस हर टू कीप अ डॉग? और Whenever my friends go out, they leave their dog at home. Are they doing the right thing? तो पहले मैं second question का answer दूंगी। हाँ it's fine, dog को बाहर छोड़ के अगर आप जा रहे हो तो it is totally something जिसके लिए आपको guilty नहीं होना चाहिए। As humans हमें रोटी भी कमानी है, घूमना भी है, अपना social circle भी maintain करना है और हर जगह pet friendly नहीं होती है। Plus dogs को वैसे भी training देनी चाहिए long term confinement की और उनको हर circumstance में रहने की आदत होनी चाहिए। और जो आपका first question था कि कैसे convince करना है आपके parents को या आपके घर वालों को, आंट्स को, अंकल्स को, तो मैं मानती हूँ ऐसे न्यूज़ आती है और ये लोगों के साथ हादसे हो भी रहे हैं। तो अगर कल को आपका डॉग आके कुछ ऐसा करता है तो ऑब्वियसली बिल आप पे ही फटेगा उसका। लेकिन अगर आपको रखना ही है और
मतलब ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए डॉग नहीं रखने का कि न्यूज में आ रहा है, लोग फिर भी रखते ही है ना। तो कन्विंस करने के लिए आप उन्हें प्यार से बिठाओ, और या तो फिर अगर प्यार से बात करके नहीं मान रही हैं तो किसी दिन ले आओ भाई, फिर साथ जीना, फिर उनको क्या है, वो आंटी तो घर छोड़ के जाएगी नहीं, और डॉग को आप निकालने देना मत, मतलब जिद पे अड़ जाओ, बगावत पे आ जाओ, कोई मत ले भाई, क्यों क्लेश लेना है तुम्हें, जब तेरी आंटी नहीं मान रही तो आंटी मुझे लगा चाची आंटी पुलिस बुला लेगी, चाची है क्या, चाची है क्या, मेरे को लग रहा है इसकी चाची होगी। अरे जो भी है भाई मत लेना, घर में कोई नहीं मानता तो मत लेना। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि आप ना थोड़े यंग हो, और अल्टीमेटली तो पालना तो मम्मी पापा या चाचा चाची या आंटी अंकल को ही पड़ेगा, और आप जोश जोश में ले आओगे और उसके बाद फिर मेरे को लगता है शायद वो इसलिए भी मना कर रही हैं क्योंकि शायद आप स्कूल चले जाओगे, कॉलेज चले जाओगे, जॉब पे चले जाओगे, पीछे से उनको सारा पालन पोषण करना पड़ेगा, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। जो ये जो ही ना आगे ट्रीट्स के लिए आ रही है ना, वो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम इसका कार्ड तो लाएंगे, तो एक बार पूछ लेते हैं, यहाँ तक तो आई गए हैं, मेरे को क्यों चाट रही है, आज सुबह से मिली नहीं ना मेरे से, आज ना सुबह से मेरे बच्चों ने मेरे को नहीं देखा, मैं नींद में ना उनको किसी करके भाग गई थी, उसके बाद राहुल छोड़ा है नानी के घर, और मुझे अब शिब्बू की इतनी याद आ रही है, राहुल हो सके ना मैं यहीं से शिब्बू को लेने, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तुमने कहीं जाना है, कहाँ, सिर्फ जोई का वेट है 8.9 भी नहीं है पूरा, ऑलमोस्ट 8.5 जा, इंजेक्शन लगवा ली गुड़िया, अभी जोई को कौन सा लग रहा है? नहीं नहीं जोई रो रहा, क्या हुआ, बहुत तंग करती है तेरे को, इंजेक्शन लगा ले जान के, जान के इंजेक्शन लगाया हमने तेरे को। तो जोई को निकले हैं 2 या 3 टिक्स, तो अभी 90 डेज की नहीं हुई है, तो हम एक टिक स्प्रे ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर एक भी टिक काट गया और गलती से ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ तो इसको टिक फीवर हो सकता है, व्हिच इज फेटल, व्हिच इज वेरी फेटल। यस मैडम, जोई मैडम, जोई मैडम ना यहाँ पे मजे, भाई क्यों, क्या हो गया, फ्री की शबील पीने के लिए सारा रोक दिया ट्रैफिक तुमने, तो तुम भी तो करते थे, मैं कभी भी फ्री, ये ऐसा नहीं, पर ब्रेड पकौड़ा मिल रहा भाई, तो फिर भैया कितना लड़ रहे हैं क्या, और यहाँ पे फ्री का समोसा मिल रहा है भाई, समोसे और छक्के, अरे भाई मेरे शक्कर के समोसे, तुम खा लेते उसको चैन से समोसे, भाई लोग मुझे भी बोलते हैं हरामी तू समोसे खाएगा, तू समोसे खाएगा, अच्छा मेरी शक्ल के जितने भी समोसे हैं खाओ समोसे, जो ही गिर जाएगी ऊपर टिक के बैठे, एक पैर ना नीचे लटकाया हुआ ना तूने, ये देख दोनों पीछे के एसी के बेड के सामने, पूछ में सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, व्हाट इज अप जोई, लेडी जोई, इसका नाम तो आंटी जोई रखो, आंटी जोई, लेडी जोई, ये मेरी आवाज सुनते थे, तेरी भी सुनते थे, देखा ना, हां ठीक है, देखिए देखिए थोड़ी देर में दिखाऊं आवाज दूंगा मैं इसकी, जोई जोई देखा, हाय ध्यानचंद स्टेडियम राहुल खेलने आए हुए हैं बास्केटबॉल, और वो देखो बच्चों के बीच में राहुल अंकल खेल रहे हैं, और राहुल अंकल को बच्चों ने बॉल नहीं डाल दी और बच्चों ने राहुल अंकल को पीछे पुश कर दिया, क्या आप देख पा रहे हैं राहुल अंकल को या जूम कर रहे हैं, रुको आपके लिए जूम करते हैं, ये रहे राहुल अंकल, आप पैरों में टैटू से तो पहचान पा रहे हो गए, और सब फिट बच्चे हैं, ऑलमोस्ट यू नो 14 से 20 भी नहीं है, 14 से 18 साल की उम्र के बीच में, राहुल 36 का बच्चों के बीच में हो रहा है। ये नो काटी खा लेगी तेरी वो, हाँ काटी खा रही है, जोई काटी खा रही, काटी खा रही आपकी जो, सुबह पता नहीं लड़की को क्या हो गया, भूख लगी जोई, आपको क्या किया दोई ने, जोई सिट नो नो जेजू हैंड मत दे, काट लेगी तेरे को, खुद ही कह रहे मेरे को काटो, फिर कैसे चलेगा ना, जे ये बनता अपने आप को खतरों का खिलाड़ी, काट ले जे गंदी बात,
जे, ये ना जे ना खुद कह रही है कि जोई मुझे काट ले। गुड मॉर्निंग शिब्बू राजा, कैसा है मेरा बाबा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूछा क्यों आई सुबह सुबह? हाँ कहा हो गया बेटा, सामान पैक कर लो, जाना मामू की शादी में, मामू की शादी में जाना है। चलो अब नाश्ता करें, दलिया खाए। क्या कर ला जेजू? पॉटी किया? फिर क्या किया? पॉटी की शुशु। पॉटी है? झूठ बोलता है? नहीं की पॉटी, झूठे छेम छेम हो गए जेजू, जेजू की छेम छेम हो गए। जाओ भैया को किसी करो, जाके जल्दी जाओ, भागो। जे ना पता है ऐसे लगता है चाबी वाला गुड्डा है। चलो जी शिवाय और जे डांस करेंगे, देखना कैसे बैठ गया, बिल्कुल जैसे बाला बैठता है। खड़ा हो बाला, जे डांसिंग करके दिखाओ। बाला 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 बाला, जे पापा ही हाँ। अच्छा दोनों उठ गए? हेलो गुड मॉर्निंग शिवाय, पापा गुड मॉर्निंग करो बेटा। हाई फाइव दे दे। ये हाई फाइव होती है, ये लो टेन होती है। कांगड़ी पहलवान। 10 किलो का डंबल होता है ना, उससे भी हल्का है। तो टोपी उतार दी। हाँ पापा की कैप उतार दी आपने। आ गया तो जलता हुआ चेला आ गया तुम्हारा, दूर दूर से ना जान के ना मुंह बना बना के भाग रहा है। उसको करो पहले प्यार, शिवाय को पक्का चमचा अपने पापा का। कोई भी डिस्ट्रेस कॉल देनी हो ना पापा से ही करेगा। और इसके पापा ना किसी और बच्चे को हाथ लगाए ना तो अंदर ही अंदर जलता है बेचारा। आप पापा को पहना दो क्या? जरा सा है नहीं बेटा, गिरेगा तो गिरेगा तो गिरेगा। लिया गिरेगा। पापा हिया। अब भाव खा रहा है गाइस, जब से हम आप लोगों ने कहा ना पापा हिया प्यारा बोलता है, तब से ना भाव खाना शुरू कर दिया इसने पापा हिया के नाम पे। देखना कैसे बैठा है, भाव खा रहा है ये बंदा, भाव खा रहा है ना। यहाँ पे हम आए हुए हैं पार्क, और क्या हुआ राहुल? किस चीज की स्मेल आ गई। गुड मॉर्निंग बबजी, ओला काबू में नहीं आज, पता नहीं क्या सूंघी जा रही पूरी पार्क में। ओला ओले, क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हो गया, क्या हुआ है? नहीं राहुल मत देना, वो देखो भागे बॉल के चक्कर में। बब है ओला बब्बा, ओए ओए ओए, हो तुमने देखा बब्जी ने क्या किया? बब्जी आज बहुत ज्यादा फिरोशियस हो रखा है बॉल के चक्कर में। बबे नो बेटा, वो प्रेग्नेंट है राजे, उसको ऐसे धक्का मत दे। और यहाँ ना ओला का पीछे का एरिया देखो कैसे चौड़ा सा हो रहा है, देख रहे हो गाइस कैसी चौड़ी हो रही है पीछे से इसकी ना, पीछे बिल्कुल ना चंडीगढ़ बना हुआ, चंडीगढ़। इनको ना बॉल के आगे ना कोई नहीं पता है, पसंद ना पता है, ना माँ पता है, ना बाप पता है, ना बाप ना भैया। और ओला जी कैसे हो? बब्जी एक बॉल के पीछे बेटा बदतमीजी मत कर, वो प्रेग्नेंट है तेरे को पता है ना। ये देखो उसको ना धक्के मार रहा है राहुल, बड़े गंदे वाले। आप लोगों ने कहा था सीसीटीवी फुटेज लाओ, तो वो हम लाएंगे गाइस, टाइम लगता है। ये थोड़ी है कि कल के व्लॉग में बोला तो आज के व्लॉग में आ जाएगी, कनेक्शन बिठाएंगे, जुगाड़ बिठाएंगे, टाइम लगता है, लाएंगे, टेंशन मत लो। सिट बब्बे, सिट सिट इधर आजा, मुझे दिखाना बॉल। ये तो कैसे देखता है यार, तेरे को बॉल की पड़ी है क्या सिर्फ? शिवाय का बब्जी ने बॉल छोड़ दी और बब्जी को पता नहीं क्या मिला। कुछ नहीं मिला इसको, ठीक है कुछ नहीं मिला, इसके बस की कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुझे डरा सकता है, धमका सकता है, ठीक है, लेकिन ना अल्टीमेटली दिल का साफ लड़का, इसीलिए मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं तो ना कब से उठा के फेंक दिया होता मैंने, जिस हिसाब से मेरे को डराता है। देखना क्या कर रहे हैं बावला, ये देखो बड़े टाइम बाद इसको मस्तियाँ शुरू हुई है इसकी। ये क्या मिल गया? ओए मेरे को मत मार दियो इससे, ओए। और उधर देखो लेडी ऑली को कितने अच्छे पोस्चर में बैठी हुई है। ओला ना चैंपियन है वैसे कुछ भी तो है ना राहुल,
ये बस अपनी ना बल का प्रयोग करता है, बब्जी बस के इसकी कुछ नहीं है। सिट। ओला फिर जीत गई। ओला फिर चैंपियन। राहुल इसका ना पीछे देखो कितना ब्रॉड हो गया है, और बब्जी को देखो बेचारा हल्का सा। कौन लाया बॉल? ओला के पास ही है। हुआ ले ले ले, हाथ से ले ले ले, हाथ से नहीं ले रहा। हाथ से किसको लेनी है? सिट। हाथ से किसको लेनी है बॉल? तुझे लेनी है। ले 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 ना ले ना। तुम्हें डर नहीं लगता राहुल यार? इसके मुंह में हाथ डाल ले तो यार पूरा दाढ़ फट जाएगी इसकी। इसकी दाढ़ फट जाएगी और तुम्हारा हाथ फट जाएगा पूरा। नहीं फटेगा? बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। छोड़ दो। ये देखो ये देखो ये देखो। इसकी तो बेचारी ना ये सब क्यूट लगती है। मुझे ऐसे लगती है रॉड की शक्ल में लैब्राडोर है। ये देखो लीव लीव लीव। ये बब्बे की चक्कर। लीव 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 लीव। अबे दांत टूट जाएंगे बब्जी। ओ चल चल गुस्से में आ गए। नहीं पर अगर मैं ज्यादा इसको एग्रेसिव, इससे ना ये और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। अरे मैं ब्लफ खेल गए फिर से बब्जी ना। इसने बड़ा तब भी नहीं ले पाया। हाय बब्जी तेरे बस की कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है तेरे बस की। तू सिर्फ बल का प्रयोग कर सकता है और कुछ नहीं। दिमाग नहीं, खोपड़ी उसी में है भाई। लड़कियां ही होती हैं इंटेलिजेंट, कुछ भी बोल लो। बब्जी इज मंद बुद्धि। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को यही एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग और भी लंबा हो रहा है। आई नो आप लोग कहते हो कि 20 मिनट का बनाओ 30 मिनट का बनाओ, बट समझ जाओ इतना ही काफ़ी होता है। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। और ब्लॉग में ना जरूर बताना कि कौन कौन है जो बेसब्री से लेडी ऑली के बच्चों के लिए वेट कर रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। और कौन कौन है जो उसके लिए प्रे कर रहा है कि उसकी सेफ डिलीवरी हो, सब कुछ अच्छा रहे प्रेगनेंसी में। और जरूर बताना और अपना प्यार देना लेडी ऑली को और बब्सी को। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू। लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।